हेलो एवरीवन, मैं कृतिक और मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मीडिया 47 के बुक रिव्यू के एपिसोड 5 में। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है स्मॉल एक्ट्स ऑफ फ्रीडम। ये बुक गुरमेहर कौर ने लिखी है। ये बुक एक ऑटोबायोग्राफिक नॉन फिक्शन है। ऑटोबायोग्राफिक नॉन फिक्शन से आप समझ गए होंगे कि ये बुक गुरमेहर की खुद की कहानी है। जब आप इस बुक को शुरू करेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये बुक रामजस प्रोटेस्ट के बारे में है, गुरमेहर के एक्टिविज्म के बारे में, बट नहीं। ये बुक गुरमेहर ने पूरी तरीके से अपने फैमिली को डेडिकेट करी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी स्टोरी को लेकर आए और एक बुक में लिखकर लोगों के सामने रखे। गुरमेहर ने ये बहुत अच्छी कोशिश करी और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुई है इस कोशिश में। अब मैं आपको इस बुक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता दूँ। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि गुरमेहर ने जब ये किताब लिखी तब उन्होंने सोचा कि बुक ऑफ स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट। लाइक जब गुरमेहर ने ये किताब लिखी थी तब वो स्टूडेंट थी, वो अभी भी स्टूडेंट है, वो ऑक्सफोर्ड में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बुक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है टू अंडरस्टैंड कि किसी की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड, बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मतलब अगर आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वन गो में इस बुक को ख़त्म कर देंगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम रीड करना है तो दो बारी में आप ये बुक ख़त्म कर सकते हैं। बुक काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगा आपको स्टोरी से। थर्ड, गुरमेहर ने जो कॉम्युनिकेट करने की कोशिश की है उन्होंने उस चीज़ को कॉम्युनिकेट किया। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, गुरमेहर की जो स्टोरी है वो बुक में हैंड बाई हैंड, चैप्टर्स बाई चैप्टर्स बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है गुरमेहर ने। अब मैं आपको बता दी इस बुक का कंटेंट क्या है। ये एक नॉन फिक्शन है तो कोई स्टोरी नहीं है जिसका एक समरी है, बट गुरमेहर की कहानी है तो वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ जिससे आपको पता चले कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। गुरमेहर के फादर मनदीप सिंह 1999 कारगिल वॉर में शहीद हो गए थे। गुरमेहर तब 3 साल की थी। गुरमेहर ने अपने जन्म से लेकर के जब वो स्कूल गई तब तक की कहानी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट लगा मुझे बुक का। बुक का टाइटल स्मॉल एक्ट्स ऑफ फ्रीडम बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई होता है। ये क्यों, मैं ये आपको बताती हूँ। जिस तरीके से गुरमेहर की ग्रैंड मदर एंड मदर ने अपनी 2 बेटियों को इतने ज़्यादा आगे तक लेके आई, इतनी सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया, उनको पढ़ाई में आगे पढ़ने को परमिशन दिया। स्पेशली उनकी ग्रैंड मदर ने उस टाइम पे घर में लड़के आगे अपनी 2 बेटियों को पढ़ने दिया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि इस बुक के टाइटल को बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई करता है, क्योंकि ऑफकोर्स एक्ट्स ऑफ फ्रीडम जो स्टेप्स हम उठा रहे हैं अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेटियों को, बेटों को पढ़ाने के लिए, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं और बुक के टाइटल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती हैं। गुरमेहर की नानी की कहानी और गुरमेहर की मदर की कहानी सिमिलर है। ऐसा आपको बुक पढ़ने से ही फील हो जाएगा कि ये दोनों ही कहानी सिमिलर है और बहुत अच्छे से कनेक्ट करा है गुरमेहर ने दोनों चीज़ों को। गुरमेहर की मदर ने अकेले उनको 3 साल के बाद बड़ा करा है, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से इस बुक में फील होती है। कहीं ना कहीं गुरमेहर इसमें और भी चीज़ें डाल सकती थी, जैसे उनके अभी के एक्टिविज़म के बारे में गुरमेहर कुछ लिख सकती थी एंड के चैप्टर्स में। मुझे ये चीज़ मिसिंग लगी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी गुरमेहर आगे जाके इस चीज़ को लिखेंगी कि उन्होंने क्या फील करा बीइंग अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। लास्ट में, बुक के लास्ट में एक लेटर है जो अपने फादर को लिखती है, जो वो मेस में छोड़कर आती हैं, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है इस बुक का सोल है। उस बुक लेटर को पढ़ के आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। बुक के एंड आते आते भी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। तो होल सम एक बुक बहुत ही ज़्यादा आपको कनेक्ट करके रखेगा स्टोरी से गुरमेहर की। मैं इस बुक को अपनी तरफ से 4 स्टार देती हूँ 5 में। एंड ऐसे और भी रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस बुक की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ जाके इस बुक को पढ़ें। कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको बुक कैसी लगी और अगर आपको इस बुक ने इंस्पायर करा है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा आपको। थैंक यू।